हेलो बच्चों, मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि बच्चों, हम अपना एग्जाम सीरीज चला रहे हैं मिशन 2023, जिसे हमने क्या नाम दिया है, मार्च मिशन। तो इस मार्च मिशन में हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, विकास की समझ के बड़े क्वेश्चन को देख लिया था, है ना। और अब क्या करने वाले हैं हम, विकास की समझ के छोटे क्वेश्चन, मतलब वन मार्क्स के क्वेश्चन को समझने वाले, है ना। तो हमारा चैप्टर कौन सा है, अध्याय 17 विकास की समझ, जिसमें आज हम एक मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगी तो आपको इसे समझ आ जाएगा कि अगर खाली स्थान में आना है, सही जोड़ी में आना है, तो आपको आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यूज बताऊंगी ना बच्चे, तो आपके पूरे आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो, ये हमारे क्या था, रोड मैप था, जिसके आधार पर हमने पूरे चैप्टर को समझा और प्रश्न देखे थे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है, किस लिए की जाती है। क्वेश्चन में देखा था सार्वजनिक हित के लिए, तो अब सार्वजनिक हित कहाँ पर है, अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए, नहीं भाई, क्यों भाई एक्स्ट्रा क्यों करेंगे, पहले मिल तो जाए, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाएगी लेकिन हमको क्यों देगी भाई, सरकारी कार्यालयों के लिए नहीं, सभी को चाहिए। तो क्या था, सार्वजनिक हित के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश का विकास की इस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो विकास कैसे कैसे हुआ है या विकास विकसित है या नहीं, कैसे आधार पर देख सकते हैं भाई, प्रति व्यक्ति आय, हाँ, साक्षरता दर, हाँ भाई, लोग पढ़े लिखे होंगे तभी तो कमाएंगे, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति अच्छे होंगे तभी तो काम करने जाएंगे, तो ये सभी तो आधार है, तो क्या होगा, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। आगे, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो किसकी है भाई, श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन, कारखानों का निर्माण होता है, देखो बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है ना कि एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता, तो आप एलिमिनेशन करो, है ना। एलिमिनेशन करोगे तो क्या होगा, जो आंसर बच जाएगा, चार ऑप्शन में जो आंसर लगता है कि हाँ ये तो ये अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, तो वही क्या होगा, फिर आपका आंसर होगा। जैसे बंजर भूमि पर, हाँ हो सकता है, कृषि भूमि पर हो सकता है क्या भाई, नहीं, आप कृषि भूमि में तो अनाज उगाओगे, तो कृषि भूमि पर उद्योग कैसे लगाओगे, इसको काट दो। सड़कों पर लगा दोगे उद्योग तो भाई चलेंगे कहाँ से, हम आना जाना कैसे करेंगे, इसको हटा दो। कहीं नहीं, कहीं भी कैसे लगा देंगे, चल रहे थे किसी घर को तोड़ के उद्योग थोड़ी लगा दोगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, चार ऑप्शन में से पहले आप आंसर काटते जाओ, फिर जो बच गया वही क्या होगा, आपका आंसर। तो चौथे का आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शहरों के विकास का लक्ष्य है विकसित जनता, ठीक है, जनता तो विकसित होगी ही, शहर में रह रही है, एजुकेटेड हो जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी, काम करेगी, ठीक है। पक्की सड़कें, अस्पताल और अस्वच्छता, अस्वच्छता क्यों भाई, स्वच्छता चाहिए, अस्पताल तो हर जगह चाहिए, तो ये भी हट गया, विकसित जनता तो रहेगी ही, पक्की सड़कें, तो शहर के विकास का लक्ष्य क्या होगा, पक्की सड़कें। अगला, देश के विकास के सूचक में शामिल नहीं है, देश के विकास के सूचक में शामिल नहीं है, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, जीवन प्रत्याशा, घरों का आकार, क्या नहीं होगा भाई, घरों का आकार, तो इसका आंसर होगा डी, कि घरों के आकार से आप ये नहीं बता सकते कि देश विकसित है या नहीं है, ठीक है, और आप उसको अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे कि कितने, कौन से घर छोटा है तो इसकी आमदनी कितनी है, अच्छा बड़ा घर है तो आमदनी इतनी है, तो ये कैसे आप तय करोगे, है ना, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन उद्योगपति के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है, क्या है, वर्ष भर काम करना, भाई वो तो दूसरों को खुद काम देता है, इसको हटा दो। बेहतर मजदूरी पाना, वो तो खुद काम देने वाला है। अधिक बिजली प्राप्त करना, आवास की सुविधा पाना, उसके पास तो बड़े बड़े बंगलो है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। देश में किसी एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य कहलाता है, क्या कहलाता है भाई बताओ, सकल घरेलू उत्पाद, GDP, ठीक है, समझ आया, क्या कहलाता है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। आगे, आय के असमान वितरण का पता कैसे चलता है, कैसे पता चलता है भाई, GDP से, इसको से देश की आय पता चलती है, उपभोग वैसे, हाँ, स्वास्थ्य से, नहीं भाई, स्वास्थ्य से कैसे, अगर सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे तो बीमार है तो कैसे बोलोगे कि वो गरीब है, नहीं, काम के प्रकार से हो सकता है, लेकिन असमान वितरण का क्या पता चलता है, उपभोग वैसे, कि भाई अगर आपके पास आय ज़्यादा है तो आप क्या अपने उपभोग की चीज़ों पे अधिक व्यय करोगे, आपके पास अगर आय कम है तो आप बहुत कम ही चीज़ों पे उपभोग व्यय करोगे, है ना, तो इसी के आधार पर क्या होता है, आय के असमान वितरण का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, GDP का अर्थ क्या है, अभी जस्ट पिछले को में देखा था, क्या था, सकल घरेलू उत्पाद, क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद GDP का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। आगे, साक्षरता दर कितने वर्ष से अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को बताती है, कितने वर्ष से अधिक बताओ भाई, साक्षरता दर में देखा था ना, कितने वर्ष से अधिक, 15 वर्ष से। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, क्या हो सकता है, संसाधन, नहीं, क्योंकि किस देश के पास कितनी संसाधन है, उसका उपयोग कैसे हो रहा है, हम उसको नहीं देख सकते। जनसंख्या,
भाई भारत तो अब जनसंख्या में सबसे टॉप पे पहुंच गई, चाइना को भी हरा दिया, तो हम बोल सकते हैं क्या विकसित है? नहीं, औसत आय उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम क्या है, औसत आय होती है जो देशों की क्या होती है, तुलना करने में हमें सबसे ज़्यादा सहायक होती है। ठीक है, आगे मान लीजिए एक समूह में 5 परिवार हैं। कितने हैं? 5। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 4,000 रुपये है। यदि अगले 2 वर्ष में इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 हो जाती है तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे भाई, पहले कितनी थी 4,000, 2 वर्षों में क्या हो गई 5,000। ठीक है, आय बढ़ी है, अब क्या कह सकते हैं, समूह का स्तर घटा? नहीं भाई, आय बढ़ी है तो कैसे कह सकते कि उसका स्तर घटा, ये नहीं होगा। सभी व्यक्तियों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है, हाँ आय तो बढ़ी है तो ये हो सकता है। समूह का स्तर बेहतर हुआ, हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या है, महंगाई भी तो बढ़ेगी 2 वर्षों में, तो उसका स्तर बेहतर हुआ या नहीं, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, सभी व्यक्तियों की आय घटी नहीं, आय तो बढ़ी है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, सभी व्यक्तियों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है, 4,000 से 5,000, हम इतना ही स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है, सार्वजनिक हित मतलब सुविधाएं क्या होगी, जो हर किसी के लिए क्या सरकार उपलब्ध कराती है या हर किसी को बेसिक नीड होती है, तो क्या क्या हो सकती है भाई, सरकार द्वारा अस्पताल खोलना, हाँ स्वस्थ रहना सबका अधिकार है, सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोलना, हाँ प्राथमिक शिक्षा मिलेगी इससे, सरकार द्वारा स्कूल खोलना, हाँ भाई प्राथमिक शिक्षा के साथ हमें एजुकेशन भी चाहिए, उपयुक्त तो सभी, तो बिल्कुल इन सभी आएगा, तो क्या होगा आंसर डी, इसका आंसर क्या होगा डी। ठीक है, तो बच्चे हमने पूरा ये चैप्टर खत्म कर दिया, विकास की समझ हम खत्म कर चुके हैं। अब आपको मैं अगले चैप्टर में इकाई 2 प्रथम विश्व युद्ध में लेकर चलूंगी, है ना, हम मार्च मिशन में हैं, हम अपने युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और अगला चैप्टर क्या होने वाला है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध, है ना। तो अभी तक हमने 9 मार्क्स पक्के कर लिए हैं, इन 3 चैप्टरों में आपके 9 मार्क्स 100% पक्के हैं बच्चे। आप इतने वीडियो को देखो, 15-20 मिनट आराम से देखो, है ना, और हर वीडियो के नोट्स बना के रख लो और आंसर अच्छे से फ्रेम कर लो, इतना कर लोगे ना 100% बोल रही हूँ, मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे तो फिर बताना, आपके 75 में से 70 मार्क्स तो डेफिनेटली हाँ ही है, मिलेंगे ही। ऐसी तैयारी करोगे ना तो हर चीज़ों में अच्छे मार्क्स लेके आओगे, हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अपनी तैयारी उस तरीके से करनी है बच्चे, है ना। आपको एग्जाम से किसी भी तरीके से और कुछ भी चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जाकर हमसे जुड़ सकते हो या नीचे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हो कि भाई मैडम 10वीं में हूँ, मुझे आगे क्या करना है। इवन जो रायपुर में बच्चे हैं, अगर आपको 11वीं में हमारे एडमिशन लेना है, है ना, आप लोग 10वीं में हो, 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेना है मैडम, उसके लिए भी आपको हमसे जुड़ना है तो बात कर सकते हो, या आपको ये लगता है कि रायपुर में रह रहे हैं, है ना, आप रायपुर में हो या आगे 11वीं वाली में तैयारी अच्छी करनी है, उसके लिए आपको हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में जो भी है, तो आप हमसे कॉल करके अभी से अपने लिए सीट बुक करा सकते हो, है ना, अगर तैयारी अच्छी करनी है, क्योंकि हम पूरे हिंदी माध्यम में बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहे हैं या नहीं, हमारा पूरा ध्येय अभी हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो अगर आपको लगता है कि आगे अगले साल की पढ़ाई के लिए हमसे जुड़ना है तो आप अभी से हमसे जुड़ सकते हैं, या कुछ भी जानकारी लेना है, एग्जाम प्रिपरेशन, आगे के आने वाले वर्षों में कौन से सब्जेक्ट लेना है, ये कैसे क्या क्या की पढ़ाई की जा सकती है, मैं मैथ्स लूँगा तो क्या क्या स्कोप है, साइंस बायो लूँगा या कॉमर्स लेके मैं क्या क्या बन सकता हूँ, किसी भी तरीके का आपको प्रश्न है तो आप मुझसे नीचे दिए हुए नंबरों पर जुड़कर बात कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।